बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे जर्नल प्रॉपर का थर्ड लेक्चर, जिसमें अभी थोड़े पॉइंट कवर करते हैं, आज के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्टूडेंट को सबसे टफ पॉइंट लगते हैं, जिनको लॉजिक नहीं किया गया है उनके लिए तो बहुत ही टफ है, लेकिन समझ के करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन द एक्सपेंस आर अनपेड। अनपेड मतलब अभी ऐसा है कि बच्चों समझ लो कि आपको जो एक्सपेंस पे करना था, जैसे समझ लो कोई एक्सपेंस है स्टेशनरी एक्सपेंस, आपको पे करना था 500, आपने पे किया है 450 पे करना बाकी है। तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? अनपेड एक्सपेंस। अनपेड एक्सपेंस क्यों क्रेडिट होगा, लॉजिक समझा देता हूं। नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट तो कर दिया लेकिन क्रेडिट क्यों हुआ, तो इसका लॉजिक है वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा? क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रहेगा बच्चा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है व्हेन द इनकम अक्रूड। इनकम अक्रूड तो आप बोलोगे सर इनकम अक्रूड मतलब हमें कोई इनकम मिलना बाकी है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो जो भी इनकम का नाम है वो हमें क्रेडिट कर देना है। और क्या लिख देना है? इनकम अक्रूड अकाउंट डेबिट। इनकम अक्रूड की जगह नाम चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी नाम होगा, इनकम की जगह हम इंटरेस्ट लिख देंगे, जो भी पॉइंट होगा वो नाम होगा हम लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये इनकम मिलना बाकी है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी, तो ये असेट अकाउंट क्रेडिट मतलब डेबिट कर देंगे। क्या ध्यान में रखना है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये इनकम अक्रूड हमारी एसेट है इसलिए डेबिट होगी, और क्रेडिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इनकम क्रेडिट होगी, इसलिए क्योंकि वो हमारा नॉमिनल के हिसाब से इनकम है इसलिए क्रेडिट होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट बच्चा, इसके साथ मैं प्रैक्टिकल सम करवाऊंगा, टेंशन मत करना, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह करवाऊंगा, लेकिन आपको शांति से ये स्टेप लिख देने लॉजिक के साथ, क्योंकि फिर से रिवाइज करोगे तो ये पॉइंट सबसे टफ होते हैं। कई बार कई बच्चों को असाइनमेंट में भी ये सम मिलते हैं या प्रैक्टिस के लिए भी सम मिलेंगे, तो वो ध्यान में रखना, ऐसे ही पॉइंट आते हैं। उसके बाद व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज टू असेट। डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा तो असेट अकाउंट क्रेडिट होगा। जिसमें आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर ये बस एंट्री याद रखनी है, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है इसलिए आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी बिजनेस की असेट पे वो चार्ज हो रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर है? चलो तो अभी बच्चा इतना पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नए एक प्रैक्टिकल सम की ओर। तो बच्चा इसके बाद मैंने तीन पॉइंट कवर करने हैं यहाँ पे, अनपेड सैलरी, इंटरेस्ट अक्रूड एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पास नेसेसरी एंड जनरल प्रॉपर, पास नेसेसरी जनरल प्रॉपर। तो आप बोलोगे सर इसमें अनपेड सैलरी है, तो अनपेड सैलरी आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि इसमें नरेशन भी प्रॉपर लिखा हुआ है बच्चा, इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होता है। आप बोलोगे सर अभी आपने एक्सप्लेन किया था एक्सपेंस की जगह लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी अकाउंट, तो जिसमें आप बोलोगे सर अनपेड सैलरी अकाउंट 5000। क्लियर है बच्चा? उसके बाद आप बोलोगे सर सेकेंड पॉइंट इंटरेस्ट अक्रूड बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट अक्रूड जो होता है वो हमारी इनकम होती है, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट करेंगे। क्लियर है? सेम वे आप बोलोगे सर ये दूसरी एंट्री थी, और थर्ड में बोला हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करोगे टू मशीनरी, क्लियर हो जाएगा 500। बच्चा ये है बहुत इजी, ये जरा भी टफ नहीं है, खाली आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एंट्री आपको याद ही रखनी पड़ेगी। एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए उसके बाद माइंड में होना चाहिए कौन से लॉजिक के साथ आपने समझा था, वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक लिख लो, उसके बाद एक अच्छा वाला सम करते हैं डिटेल में, पॉज करो और लिख लो। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राकेश, तो आपको राकेश की बुक में जनरल, तो हम लिखेंगे बच्चा जनरल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ राकेश। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले शुरू करते हैं, अभी इनडायरेक्टली हमारा पुराना टॉपिक सारे रिवीजन होंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझते जाना है। दो समय प्रॉपर तरीके से समझ के करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एक लेक्चर आज में लेंगे नेक्स्ट में उसके बाद ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है गिव गुड्स ऑफ 500 टू अनाथ आश्रम, तो आप बोलोगे सर इसको चैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? चैरिटी बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर
आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। आपको पता है गुड्स कम हो जाएंगे इसलिए 5,000 and 5,000। आपको पता है सेल्स के अलावा जो भी तरह से गुड्स जाएगा तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बच्चा वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसलिए इस पॉइंट पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा मेन मेन पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। आगे चलेंगे सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ऑफ 4,000 एज ए फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल के तौर पर बेचा हुआ है तो आप बोलोगे सर इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एडवर्टाइजमेंट। तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। आप बोलोगे सर बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा और क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना लिखोगे? तो आप बोलोगे सर ये 4,000 होता है तो ये भी 4,000 ही होगा। थर्ड एंट्री की बात करते हैं तो आप बोलोगे विथड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पज। पर्सनल पर्पज के लिए आप विथड्रॉ करते हो तो आप बोलोगे सर इसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले जाएगा तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। और आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 8,000 और ये 8,000। इसके बाद आप फोर्थ बोलोगे, फोर्थ में क्या आएगा? परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 3,000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ 2,800। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? आपने बोला कि सर फर्नीचर ले रहे हैं और गुड्स दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, लेकिन कितने का फर्नीचर था? 3,000। कितने का गुड्स आपने दिया बच्चा? तो आप बोलोगे 2,800 का। तो उतनी अमाउंट से फर्नीचर रिकॉर्ड होगा। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर की प्राइस जो भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने कितने में गुड्स दिया वो हमारे लिए मेन पॉइंट है। 2,800, 2,800, बस ये ध्यान में रखना बच्चा, और कोई मेन पॉइंट नहीं है। फिफ्थ है गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 वेर डिस्ट्रॉय बाय फायर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 5,500। तो आप बोलोगे सर 7,000 का गुड्स था, 5,500 आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया तो 1,500 आपको लॉस हुआ। तो बस बच्चा यही एंट्री को हम प्रॉपर लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर जो है सबसे पहले आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना लिखोगे अकाउंट डेबिट? आप बोलोगे सर 5,500 लिखा है लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बच्चा ये सारी एंट्री हमने कहीं ना कहीं की है इसलिए आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5,500, ये 1,500 और हो जाएगा 7,000। इसके साथ बच्चों हमारा फिफ्थ एंट्री भी खत्म। अभी सिक्स पे आगे बढ़ते हैं। An amount of 2,000 receivable from the Nirali which cannot be received now. तो बच्चा बहुत ही सिंपल बोला है, निराली से हमें पैसे लेने हैं, अभी वो पैसे नहीं मिलने वाले ऐसे बोल रहे हैं, which cannot be received now. अभी पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो इसको bad debts बोलते हैं। याद आ रहा है बच्चा जो bad debts बोले जाते हैं? तो bad debts business के लिए एक type का loss होता है। तो आप बोलोगे सर bad debts account डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर निराली अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे उसमें अमाउंट? तो आप बोलोगे सर 2,000 आपको पैसे नहीं मिलने वाले तो 2,000। इसके बाद सेवंथ की बात करते हैं बच्चा। सेवंथ है राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो आप बोलोगे सर ये अभी आपने सिखाया क्या होगा? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा? तो आप बोलोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट सर डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितना लिखोगे? 800 और 800। इसके बाद बच्चों लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड। अनपेड है सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो आप बोलोगे सर सैलरी क्या होगा? सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और अनपेड सैलरी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि आपको ये पे करना है, पे करना बाकी है। तो आप बोलोगे टू अनपेड सैलरी। कितना लिखेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे 7,800। इसके साथ बच्चों हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। ये पॉइंट तो आप आराम से कर लोगे। आपको प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सम देते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए, तो वो शांति से आपको करना है। ये आप आपके स्क्रीन पे अभी आएगा, शांति से अच्छी तरह लिख लो, वो
इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, तो वो टोटल करके प्रॉपर करके हमें प्रेजेंटेशन करके आपको फोटो भेजना है।